नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। किराना स्टोर संचालक, उसकी पत्नी और बेटे की हत्या कर दी गई। इसके बाद संचालक की बाइक से बदमाश भाग निकले। कारोबारी के दोनों पैर रस्सी से बंधे हुए थे, जबकि पत्नी और बेटे का शव पास में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। फॉरेंसिक टीम जांच के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि बच्चे का मुंह पॉलिथीन से बंधा हुआ था, जबकि महिला और पुरुष के शरीर पर चोटों के निशान भी हैं। संभवतः पहले पूरे परिवार का गला घोटा गया, फिर दंपत्ति पर किसी धारदार हथियार से प्रहार किया गया। पुलिस साक्ष्य जुटा रही है, जल्द ही आरोपितों का पता लगा लिया जाएगा। उछवा बस्ती के रहने वाले 45 साल के प्रेम किशोर प्रेम प्रोविजन स्टोर चलाते थे। घर के आगे ही उनका दुकान है और पीछे पत्नी गीता और 12 साल के बेटे नैतिक के साथ रहते थे। रोज की तरह आज सुबह डेयरी कंपनी की गाड़ी आई और दूध के पैकेट उतार कर चली गई। सुबह करीब 7 बजे तक किराना स्टोर नहीं खुला तो पड़ोसी राजेश ने प्रेम किशोर के बड़े भाई गुमटी निवासी राजकिशोर सिंह को फोन किया। प्रेम किशोर ने अपने छोटे भाई बर्रा निवासी प्रेम सिंह को फोन किया। प्रेम का फोन नहीं उठा तो राजेश खुद मौके पर पहुंचे। बड़े भाई राजकिशोर पहुंचे तो प्रोविजन स्टोर और घर में ताला लगा हुआ था। कुछ देर बाद किराना स्टोर का ताला तोड़ा तो अंदर का नजारा देख सभी अवाक रह गए। कमरे के भीतर प्रेम किशोर, पत्नी गीता और बेटे नैतिक का शव पड़ा हुआ था। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। हत्या के पीछे एक तरफ किसी परिचित के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है, वहीं लूट की वजह से ट्रिपल मर्डर की वारदात से इनकार नहीं किया जा सकता। किस तरीके कानपुर के अंदर हत्या करने वाले लोग ब्लैकआउट हो गए हैं। कल अभी बर्रा में हर्ष यादव की हत्या हो गई, 3-4 दिन पहले गोरखपुर में मनीष गुप्ता की हत्या हुई, अभी उनकी चिता ठंडी नहीं हुई। उसके पहले एक यह और घटना हो गई फजलगंज में, एक ही परिवार के लोगों को यहाँ पे अंदर हाथ पैर बांध के मार दिया गया। तीन लोगों को अभी हमें पता चला है और हम लोग यहाँ पर मौके पे आए। ये देख लीजिए, पूरे प्रदेश में जंगल राज है और कानपुर की हालत सबसे ज़्यादा खराब है। और जब से अगर रिकॉर्ड उठा के देखा जाए, जब से कानपुर में पुलिस का कंप्लेंट हुआ है, तब से और ज़्यादा घटनाएँ हो रही हैं। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि कम से कम इस पर बहुत ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए सरकार को। इस तरीके की आए दिन घटनाएं होती रहेंगी, कभी किसी का मर्डर कर दिया जाता है। इसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि जो है कहीं ना कहीं, जैसे गोरखपुर की घटना देख लीजिए, उसमें पुलिस की संलिप्तता थी। उस घटना में अपराधी और बेकॉफ हो गए हैं कि जब चोर और कोतवाल सब मिल के ही घटनाएँ कर रहे हैं तो हम लोग भी कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं इस तरीके की पिछले 48 घंटे में अभी उस दिन कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी बातें की थी। छठवीं हत्या है यहाँ पर, घर के अंदर रात में घुस करके किसी ने हत्या की है और पुलिस ने अभी उनकी पूरी जांच की है, उनकी बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और अंदर किसी को भी अभी आम पब्लिक में किसी को इसलिए नहीं जाने दिया है कि कोई छेड़छाड़ ना हो, यानी जांच में कोई बाधा ना हो। जो भी जांच में तत्व निकल के आएंगे, कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसी किसी भी घटना पर कोई भी अपराधी किसी भी स्तर का हो तो बक्सा नहीं जाएगा। सर, कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा सवाल निपज भी उठाता रहा, लगातार छठनी हत्या हो रही है, क्या लगता है आपको? घर के अंदर सदर बंद करके कोई हत्या करे और बाहर ताला लगा के उनकी गाड़ी भी लेके चले जाए तो एक घर के अंदर इस प्रकार से कानून व्यवस्था पे सीधे प्रश्न उठाना मुझे लगता है कि ये न्यायोचित नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि उस परिवार की ये जो जघन्य हत्या हुई है, इससे हम सब अपनी संवेदना प्रकट करते हैं और कानून पूरी तरह आप अपना काम करेगा, आपको दिखाई देगा। क्या माना जाए, बर्रा 20 साल पुराना चमनगंज बनता जा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा, ये क्षेत्र ही नहीं, कानपुर ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश। जो भी अपराधी इस प्रकार की घटनाएं जिन्होंने की है, वो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई के साथ जेल जाएंगे और उनको अपनी सजा को भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पुलिस जो है हल्की धाराओं में जो मुकदमा दर्ज हल्की धारा मुकदमा नहीं है, बल मिल रहा है,
पूरी फोरेंसिक टीम ने आकर के जांच की है। जांच करने के बाद ये पोस्टमार्टम को गई है, सारे तथ्य निकल करके आएंगे और कोई भी हिला वाले नहीं होगी। हम लोग स्वयं यहाँ पर मौजूद है और जिम्मेदार है। कौन सा हाईटेक पुलिस भी है, फिर भी क्या पुलिस को कोई डर नहीं रहेगा इन लोगों को? पूरा डर। मैंने बताया कि अगर कमरे के अंदर रात में बंद करके और बाहर से ताला बंद करके अंदर कोई हत्या करके निकले और उनकी गाड़ी लेके चला जाए तो इस पर जांच हो रही। जांच के बाद आने के बाद कड़ी कार्रवाई। थाना फजलगंज की चौकी मलेरिया के उचावा मोहल्ले में उनकी दुकान पर काम करने वाले एक परिवार, जिनका दुकान के अंदर ही मकान भी है, उसमें एक पति पत्नी और उनका बच्चा मृतक पाए गए हैं। परिवार वाले तहरीर दे रहे हैं, आधार पे अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम और फॉरेंसिक यूनिट और जो डॉग स्क्वाड है, ये सारी टीमें यहाँ एविडेंस कलेक्शन में लगी हुई हैं और जैसे भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में नई चीज़ें निकल कर आएंगी वो शेयर करेंगे। संजय जी, क्या कैसे हत्या की गई, क्या क्या देखा है आपने? अभी कुछ भी कहना जो है जल्दबाजी होगी। इसमें बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है, पंचनामा भरने की कार्रवाई की जा रही है और जो भी चोटें हैं उनका परीक्षण किया जा रहा है, तो जो भी इसमें अग्रिम सूचना आएगी वो आगे। शव किस तरह पड़े हुए, शव किस तरह पड़े हुए, तीनों के शव किस तरह, किस किस हालत में कैसे की गई है कुछ बता दें, किस हालात में शव थे, बॉडी कितनी मिली है, जो बताएं हाथ में बांधे गए बॉडी के क्या है? बच्चे की जो डेथ है वो प्रथम दृष्टा ऐसे लग रहा है गला दबाकर की गई है और पति पत्नी की हत्या जो है वो चोट लगने के कारण हुई है। वो कैसे लगी है, कैसे हुई है, वो सब अभी जो निकल कर आएगा छानबीन में उसके आधार पर। सामान भी बिखरा हुआ है क्या, अंदर लूटपाट की बात भी है? अभी कुछ भी इसमें बताया जाना जो जल्दबाजी, की बाइक भी ले गए जो हत्यारे थे, जल्दी ही ये घटना खुलासा हो जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण सुरागों पे काम चल रहा है, जानकारी जो चीज़ें निकल के आई हैं, जो भी जिन उन चीज़ों की पुष्टि करी जा रही है, जैसे ही ये घटना खुलासा होता है आपको सूचित किया जाए।